क्या आप जानते हैं कि हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता के रचयिता कौन है? श्रीमद् भागवत गीता में कितने श्लोक और अध्याय हैं? श्रीमद् भागवत गीता के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी थे। लगभग 5000 ईसा पूर्व श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में दिया था, जिसमें 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं, जिसे आज भी सुनकर और समझकर आप जीवन पथ पर अग्रसर होकर सुखमय जीवन जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान अभी चल ही रहा है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी ईश्वर को दिया। मन अशांत है और से नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो निश्चित है उस पर शोक मत करो। मैं तो सब की सुनता हूँ, पर मेरा कौन सुनता है? इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वे मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, न तो यह मेरा आखिरी जन्म है और न यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, इस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहें। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी मत बनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए, यानी अच्छे आचरण के साथ जीवन जीना चाहिए। अच्छे लोगों की श्री कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को श्री कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। अर्थात किसी भी परिस्थिति में हमेशा हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है, यानी कि बिना झुके हमें अच्छी चीजें कभी नहीं मिल सकती। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार
व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगा, अर्थात संस्कार आचरण एवं माता पिता के प्रति सम्मान जीवन का अभिन्न अंग होना जरूरी है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। यानी संसार में हर कोई इष्ट गुण से संपन्न होते हैं। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है, अर्थात घमंड हमें हमारे रास्ते से अलग कर देती है। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। यानी सहज ही हर किसी पर भरोसा करना अपने आप को मुसीबत में डालना है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। अर्थात किसी को कुछ देने का घमंड नहीं करना चाहिए। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। यानी कि अहंकार के कारण हर कोई अपना विनाश निश्चित कर लेता है। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों में अधर्म होने लगता है। अर्थात धर्म का अहंकार मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाती है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। यानी जीवन रूपी संग्राम को हमें खुद से ही जीतने का प्रयास करना होगा। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय रहने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। अर्थात उचित समय में अन्याय का प्रतिवाद न करना अन्याय का साथ देने के बराबर है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। यानी गलतियों से शिक्षा लेकर इसे कभी भी दोहराना नहीं चाहिए। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। यानी बुरे कर्म मनुष्य को आसानी से आकर्षित कर लेती है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। अर्थात दूसरों की गुलामी करने से अच्छा है अपने काम को महत्व देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, जो होने वाला है वो होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय इनके मन में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं आती है। यानी संसार का हर कार्य पहले से ही निश्चित है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। अर्थात हमारे सही या गलत का फैसला हमारे अपने या ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। यानी जिंदगी में एक साथी का होना जरूरी है, जो सही या गलत हर अवस्था में हमारे साथ खड़े होते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक नज़र से देखता है उसी का नजरिया सही है। यानी हम शिक्षित होने पर अपने कार्यों का प्रतिपालन योग्य तरीके से कर सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अर्थात इसी संसार में हमें बुरे कर्मों का हिसाब देना होता है। ज़्यादा खुशी होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है, क्योंकि इन दोनों परिस्थितियाँ में हमारा निर्णय गलत ही हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। अर्थात जिनके पास देने को कुछ होता है लोग उसी से कुछ पाने का कोशिश करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। यानी निश्चित लक्ष्य के प्रति हमेशा दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ा कोई सजा नहीं। अर्थात हमें हर घटना के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अर्थात हर कार्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण किसी की भलाई का होना चाहिए। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। यानी दान दिए गए वस्तुओं का हमें हिसाब नहीं रखनी चाहिए। अपने कर्म करने
के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। अर्थात लोगों के बातों पर ध्यान न देकर हमें अपने कार्यों में अग्रसर होते रहना जरूरी है। न तो शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, यानी 5 तत्वों से बनी हुई शरीर मरने के बाद उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगी। मानव कल्याण ही भागवत गीता का उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो जाए, अर्थात दूसरों के व्यवहार से हमें दुखित नहीं होना चाहिए। ज्ञान के बाद अहंकार का जन्म होता है तो वो ज्ञान जहर है। ज्ञान के बाद नम्रता का जन्म होता है तो ज्ञान अमृत है। यानी ज्ञान हासिल कर लेने के बाद हमारा व्यवहार विनम्र होना चाहिए। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई बांसुरी बनाकर बांस में सुर भरता है। अर्थात इंसान की अच्छाई या बुराई हमारी भावना पर निर्भर करती है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। यानी हमें अपने विचारों के प्रति दृढ़ होना होगा। अपनी बातों को ध्यानपूर्वक कहें, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं लेकिन लोग उसे याद रखते हैं। अर्थात हमेशा संभल कर बात बोलनी चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा अच्छा मीठा बोलता हो, हर समय अपनी भाषा का ख्याल रखता हो और किसी भी परिस्थिति में बुरे शब्दों का प्रयोग न करता हो, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा प्रगति करता है। यानी मृदुभाषी व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं। जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो, जो तुम्हारे पास हो उसी का उपयोग करो, जो तुम कर सकते हो वही करो। यानी कि जब जागो तभी सवेरा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। अर्थात हमें बेवजह क्रोधित नहीं होना चाहिए। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वस्तु के समान कार्य करता है। यानी किसी कार्य की सफलता में चंचलता एक बाधा है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। अर्थात मनुष्य को लक्ष्य प्राप्ति हेतु आश्वस्त होना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो, अनुशासित रहो, उठो। हमें अपनी अज्ञानता दूर करने के साथ साथ अनुशासित भी होना चाहिए। हर काम का फल मिलता है इस जीवन में, न कुछ खोता है न व्यर्थ होता है, क्योंकि मनुष्य इस संसार में न कुछ लेकर आया है और न कुछ लेकर जाएगा। जब हम अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे अवश्य पूर्ण होते हैं। अर्थात जब हम अपना काम दिलचस्पी से करेंगे तो वह जरूर पूरी होगी। आप सबों ने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद।